नमस्कार, मैं रितेशु सेन जायसवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का सत्य केतन समाचार में। आज LGBTQ समुदाय के पक्ष में विश्व भर से लोग अपनी अपनी राय साझा कर रहे हैं। भारत में भी उन समुदायों के लिए आज लोग इज्जत भरे अनुयोजन का भी जमकर परिपालन कर रहे हैं। लेकिन उन समुदायों के खुशियों का एक और भी खजाना है जिस पर शायद ही कोई विचार कर रहा हो। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर काफ़ी कम लोगों की ही नज़र पड़ती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं LGBTQ लेटर्स के बेसिक्स से और इन लेटर्स में किन किन लोगों की गिनती होती है। LGBTQ का सीधा मतलब समलैंगिकों से होता है, जिसमें लेटर L से लेस्बियन, लेटर G से गे, B से बायसेक्शुअल, टी से ट्रांसजेंडर और लेटर क्यू से क्वेर होता है। आसान शब्दों में कहें तो LGBT समुदाय में उन लोगों को रखा जाता है जिन्हें अपने ही जैसे लोगों से यौन आकर्षण होता है, और क्यू में वो लोग आते हैं जिन्हें खुद की पहचान नहीं पता होती है कि वे महिला हैं, पुरुष हैं, ट्रांसजेंडर हैं या और कोई। भारत में वर्ष 2018 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ समुदायों के इक्वल राइट की बात कर ऐलान किया था कि भारतीय संवैधानिक योजना के तहत समलैंगिक यौन संबंध किसी भी मायने में अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। उन समुदायों को समाज में स्वीकार करने के लिए और भी कई नियम कानून बनाए गए हैं, पर हमारा आज का मुद्दा ये नहीं है कि LGBTQ क्या है, उनमें कौन कौन से लोग आते हैं या उनके लिए किस तरह के कानून बनाए गए हैं, क्योंकि ये आम तौर पर आज सबको पता है। हम LGBTQ के जिस खजाने की बात कर रहे हैं वे हैं उनके बच्चे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वॉशिंगटन के माइकल जॉर्ज और चार्ल्स लॉर्ड, जो कि सेम सेक्स मैरिड कपल थे, उनकी इच्छा थी कि वे एक नवजात शिशु को गोद लेकर सामान्य परिवारों की तरह अपना जीवन यापन करें। लेकिन काफ़ी कोशिशों और हजार डॉलर बर्बाद करने के बावजूद वे विवाहित जोड़े बच्चे को अडॉप्ट करने में असफल रहे। यही नहीं, उनके जैसे देश भर में आज कई ऐसे मामले देखे गए हैं जहां लोग ट्रांसजेंडर और अन्य समान लिंग वाले जोड़ों को बच्चे देने से मना कर देते हैं। समलैंगिक समुदायों का इतिहास भी देखें तो उन्हें शुरू से ही किसी बच्चे को गोद लेने या अपने परिवार को बढ़ाने में अक्सर कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता रहा है। एक सर्वे में भी पाया गया है कि अब तक 98% ऐसे जोड़ों को बच्चे अडॉप्ट करने के लिए अपने अधिकारों को बताकर लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। शायद इसलिए क्योंकि कुछ सामान्य व्यक्तियों को लगता है कि LGBTQ समुदाय के लिए बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल होगा। हालांकि आज सौभाग्यवश LGBTQ समुदायों के लिए समान विवाह और बच्चे गोद लेने के लिए समाज और कानून उन्हें अधिक समर्थन और स्वीकृति देता है। पर हकीकत तो ये है कि सेम सेक्स मैरिड कपल पहले के मुताबिक आज 4 गुना बच्चों को पाल रहे हैं, और आंकड़ा कहता है कि ये समुदाय बच्चों को एक सामान्य माता पिता के मुकाबले 6 गुना अधिक लाड प्यार और भरपूर पोषण से पालते हैं। और अच्छी बात यह है कि आज दुनिया के करीब 2 मिलियन से भी अधिक LGBTQ जोड़े बच्चों को अपनाने में रुचि रख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि समलैंगिक जोड़े बच्चा अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं, क्या उनके लिए कोई अलग नियम प्रक्रिया है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सामान्य तौर पर समलैंगिक जोड़े भी अन्य माता पिता की ही तरह जितने चाहे बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके लिए किसी भी तरह की कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। बच्चे अडॉप्ट करने का समय, लागत, प्रतीक्षा समय, कार्यक्रम, प्रक्रिया सबके लिए एक समान ही नियम कायदे हैं। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या LGBTQ जोड़ों के लिए बच्चों का ध्यान रखना औरों की तुलना में मुश्किल भरा होता है? समान लिंग वाले जोड़ों को अपना परिवार विकसित करने के लिए बच्चे गोद लेना वाकई में काफ़ी अच्छा फैसला हो सकता है। LGBTQ द्वारा बच्चे गोद लेना बिल्कुल सामान्य है। ऐसा करने में किसी भी अन्य प्रकार की चुनौतियाँ नहीं होती हैं। ये ठीक अन्य माता पिता द्वारा पालन करने जैसा ही होता है, क्योंकि एक अद्भुत माता या पिता बनने के लिए इंसान की क्षमता काम आती है, ना कि उसकी कामुकता। अगर आपको हमारे द्वारा दिखाई गई वीडियो पर कोई प्रतिक्रिया देनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपके पास भी कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बताएं। धन्यवाद।